Hi kids, welcome to your SST class, and today we are going to start a new chapter of your book, that is Jellybean Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. Children, today we are going to learn about some important cities of India. India ke kuch major yani pramukh shaharon ke bare mein hum pata karenge. Theek hai, aaiye padhte hain. We will study about Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai, the four major metropolitan cities of India. Usse pehle we have to do this activity. Let's try. Can you name these monuments using the clues? Yes, we can. Aap picture dekho, kahi sare jo pictures hain, aap achche se pehchan sakte ho inme se. Theek hai? Isme se kuch jo hain, aap ये इंडिया गेट है, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये विक्टोरिया मेमोरियल है और ये बृहदेश्वरा टेंपल है, राइट? तो आप जो है इन्हें देखिए और इनके नाम ढूंढ के निकालने की कोशिश कीजिए. सो दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन बाय यू. ये आप खुद करेंगे, ठीक है? ये भी पता लगाइए कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं, कौन से शहर में हैं. जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है पता कीजिए, ठीक है? अब चलते हैं चैप्टर की तरफ. लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटिफुल एंड हिस्टोरिकल सिटीज़ विच डाइवर्स कल्चर लैंग्वेजेस रिलीजियंस या बिलीफ. हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंडिया के स्टेट्स के बारे में, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. आज हम इन्हीं स्टेट्स में से जो फर्स्ट या मेन 4 स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इंडिया में कई स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना अपना खासियत है. हर स्टेट में अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग फूड आइटम्स फेमस हैं. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया. आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को कवर करते हैं. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया में सबसे पहले आता है दिल्ली. दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल भी है, राइट? हमने पढ़ा था ना कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो आइए हमारी राजधानी दिल्ली के बारे में जानते हैं. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. द ऑफिशियल नेम ऑफ द सिटी इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दैट इज़ NCT ऑफ दिल्ली. ओके, दिस इज़ द मैप ऑफ दिल्ली. इसमें आपको दिल्ली के प्राइम लोकेशन देखने के लिए मिलेंगे. कहाँ है दिल्ली? दिल्ली इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यानी यमुना नदी के किनारे दिल्ली का शहर स्थित है. इट शेयर्स अ बॉर्डर विद स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. और जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा. हिस्ट्री, थोड़ा सा दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कि कब शुरुआत हुई दिल्ली की या कहाँ से दिल्ली आया. द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज़ एज ओल्ड एज द एपिक ऑफ महाभारत, यानी महाभारत के युग के समय से हम दिल्ली के बारे में जान सकते हैं. अर्लियर दिस टाउन वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ. पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. वेयर द पांडवाज यूज टू लिव, जहाँ पांडव रहते थे. इट इज़ बिलीव दैट दिल्ली वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट एटलीस्ट 7 टाइम्स. ऐसा माना जाता है कि दिल्ली को बार बार डिस्ट्रॉय किया गया और फिर बार बार दिल्ली शहर का निर्माण हुआ, और ऐसा 7 बार हुआ है. दिल्ली हैज़ बीन द लैंड ऑफ पावरफुल किंगडम्स. दिल्ली हमेशा ही जो है राजाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है, और बहुत सारे जो पावरफुल राजा महाराजा हैं दिल्ली पे राज करते आए हैं. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कम एंड सेटल हेयर. द मुगल्स एंड द ब्रिटिश सेटल हेयर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. और सबसे ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे मुगल्स और ब्रिटिशर्स रहे. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947. दिल्ली जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का कैपिटल बना 1947 में. इससे पहले यानी दिल्ली से पहले बेटा कोलकाता यानी कैलकाटा पहले कैपिटल हुआ करता था. बाद में दिल्ली को कैपिटल घोषित किया गया. ओके, दिल्ली इज़ करेंटली द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो दिल्ली सेकेंड नंबर पे आती है शहरों में से जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. ओके, गवर्नमेंट, ऑल द इम्पॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सभी इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं दिल्ली में ही रहते हैं.
The parliament and the supreme court of the country also are in Delhi. The embassies and high commissions and other countries are also situated in Delhi. मतलब दूसरी countries की जो embassies हैं या high commissions हैं वो भी दिल्ली में ही स्थित है क्योंकि ये हमारा राजधानी है. ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस. अब दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दिल्ली इंक्लूड्स DTC बसेस. ऑलराइट, ये रहा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस, टैक्सीज, कैब्स एट्सेट्रा. दिल्ली हैज़ मॉडर्न एंड एक्सटेंसिव रेल सिस्टम. दिल्ली में मेट्रो सिस्टम भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डेली बेसिस पे. मेट्रो हैज़ चेंज्ड द फेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली. मेट्रो के आने के बाद से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्मूथ और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गया है. इट हैज़ मेड ट्रैवलिंग वेरी कन्वीनियंट एंड कम्फर्टेबल. लोगों को अब जर्नी करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती. ऑलराइट, दिल्ली हैज़ टू एयरपोर्ट्स, पालम एयरपोर्ट फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स. दो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स भी दिल्ली में ही हैं. ओके, किस तरह के खाना या फेस्टिवल्स त्यौहार दिल्ली के लोग सेलिब्रेट करते हैं. इन दिल्ली वी कैन फाइंड वेराइटी ऑफ फूड. क्योंकि दिल्ली राजधानी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अलग अलग प्रांतों से लोग आकर दिल्ली में बसते हैं, इसीलिए यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर जो है वो काफ़ी मिक्स्ड है. इसमें हर जगह का इन्फ्लुएंस मिलेगा. यहाँ आपको साउथ इंडियन, चाइनीज़, तिब्बतन, इटालियन, मुगलई सब कुछ मिलेगा. द फेमस फूड इन दिल्ली इज़ चाट, छोले भटूरे एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. ओके, पीपल, यहाँ के लोग जो है अलग अलग रिलीजियंस यानी अलग अलग धर्मों को मानते हैं. सो डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हेयर बाई द पीपल ऑफ दिल्ली. बींग द कैपिटल ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड हेयर विद फुल फेवर एंड एंथुजियाज्म. ओके, पीपल, दिल्ली में बी कॉल्ड मिनी इंडिया. मिनी इंडिया इसीलिए बोला जाता है दिल्ली को क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक हिस्से का इंसान दिल्ली में ज़रूर आपको मिल जाएगा. पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया कम इन सर्च ऑफ वर्क एंड सेटल हेयर. यहाँ काम के लिए आते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं. कल्चर, दिल्ली का कल्चर कैसा है. पीपल इन दिल्ली बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड फॉलो डिफरेंट फेथ्स एंड प्रैक्टिसेस. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा बेटा कि दिल्ली राजधानी होने की वजह से यहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो हर धर्म के लोग हैं तो अपना अपना धर्म सभी निभाते हैं. हर तरह का कल्चर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा. इस शहर में अलग अलग वर्शिप प्लेसेस हैं. आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, चर्च भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा, मॉस्क भी मिलेगा. ओके, गुरुद्वारा बंगला साहिब, द अक्षरधाम टेम्पल, द जामा मस्जिद, सेंट जेम्स चर्च आर सम ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिल्ली. ओके, किस तरह की लैंग्वेज. दिल्ली में मेनली तीन लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एक तो है हिंदी, एक है इंग्लिश और एक है पंजाबी. हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑलमोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड पंजाबी क्योंकि काफ़ी हरियाणा और पंजाब से बहुत पास में है इसीलिए पंजाबी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है. क्लाइमेट कैसा है. दिल्ली का क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में जाता है. गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड इट इज़ इक्वली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. बहुत ठंड होती है विंटर्स में. ओके, द विंटर्स आर कोल्ड, जुलाई एंड ऑगस्ट आर ह्यूमिड एज दे आर रेनी मंथ्स. फेमस बिल्डिंग्स, दिल्ली में बहुत सी फेमस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं जो लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं हर रोज़. इन जगहों पे कई टूरिस्ट जो है रोज़ आते हैं देखने के लिए इन बिल्डिंग्स को. अब ये कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं. दिल्ली हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. इट हैज़ मेनी फेमस बिल्डिंग्स. द रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए भी कई लोग आते हैं. और यहाँ का जो फेमस गार्डन है जिसको मुगल गार्डन्स बोला जाता है, जो कि अब रिसेंटली अमृत उद्यान के नाम से फेमस हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर. दिस गार्डन ओपन्स फॉर पब्लिक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च. हर साल फेब्रुवरी और मार्च के महीने में इस गार्डन को ओपन कर दिया जाता है ताकि अलग अलग लोग, अलग अलग टूरिस्ट इस गार्डन को आकर देख सकें. द वाइट स्ट्रेट रोड बिटवीन इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन इज कॉल्ड द कर्तव्य पथ, अर्लियर नोन एज राजपथ.
ओके, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो स्ट्रेट रोड जा रही है उसको हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, जिसको पहले हम राजपथ बोलते थे। इसी रास्ते पर जो है हर साल रिपब्लिक डे की परेड होती है। ओके, दिस इज़ द पिक्चर, ये आपका पिक्चर है। ओके, द पार्लियामेंट हाउस इज़ अ ब्यूटिफुल सर्कुलर बिल्डिंग। अगेन पार्लियामेंट हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मीटिंग्स, लॉज वगैरह डिस्कस होते हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन, ये भी राष्ट्रपति भवन के आसपास ही है। द पार्लियामेंट मेक लॉज ऑफ अवर कंट्री। दिल्ली में कई सारे पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, पुराना किला, हुमायूं टॉम, और इन सभी जगहों पे हर रोज़ लोग जो हैं घूमने के लिए जाते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, सम ऑफ देम आर बिरला मंदिर, जिसको हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी बोलते हैं, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, बंगला साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा, सेंट स्टीफन्स चर्च, कैथेड्रल ऑफ सेक्रेड हार्ट, ये सभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी पुरानी हैं, जो कि आज भी लोगों को आकर्षित करती है, लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए आते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैथेड्रल ऑफ सेक्रेड हार्ट्स। ऑलराइट, दिल्ली हैज़ अ समाधि ऑफ महात्मा गांधी, हुम वी कॉल द फादर ऑफ द नेशन। शांतिवन इज़ द समाधि ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड विजय घाट इज़ द समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली आर द जूलॉजिकल पार्क, नेहरू प्लानिटोरियम, डॉल म्यूजियम, रेल म्यूजियम एंड नेशनल म्यूजियम। इन सभी जगहों पे एग्जीबिशंस होते हैं, डिफरेंट तरह की पुरानी पुरानी चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं और अपना जनरल नॉलेज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, दिल्ली हैज़ बिग शॉपिंग सेंटर्स लाइक कनॉट प्लेस, पालिका बाज़ार, चांदनी चौक, करोल बाग। क्योंकि दिल्ली पॉपुलेटेड सिटी है तो शॉपिंग मॉल्स होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बड़े बड़े शॉपिंग प्लेसेस हैं, कनॉट प्लेस, रजौरी गार्डन, करोल बाग, कमला नगर, ये सभी बहुत प्राइम लोकेशन है जहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आर हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली हैज सक्सेसफुली होस्टेड एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सिटी, दैट इज कोलकाता। कोलकाता पहले का जो नाम है वो था कैलकाता। ओके, अब नया नाम जो है कई साल पहले बदल के कोलकाता रख दिया गया है, तो आज हम कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट का कैपिटल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है और बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। इट दिस सिटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस विद द जॉयफुल स्पिरिट ऑफ द पीपल, इसीलिए कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। ऑलराइट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोलकाता गेव वर्ल्ड 6 नोबेल लॉरेट्स, यानी कोलकाता में से ही 6 नोबेल प्राइज विनर्स हमें दुनिया को दिए हैं। सर रोनाल्ड रॉस, सी वी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा एंड अभिजीत बैनर्जी, इन सभी लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है और ये सभी लोग कोलकाता से एसोसिएटेड हैं। लोकेशन, कोलकाता इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, इट इज़ अ मेजर पोर्ट। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे है वैसे ही कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। हिस्ट्री, कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज कैलकाटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला नाम जो है कोलकाता का वो कैलकाटा था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911, यानी ब्रिटिश राज के दौरान कैलकाटा इंडिया का कैपिटल था, बाद में ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा से राजधानी को शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। कोलकाता वॉज डेवलप्ड फ्रॉम 3 विलेजेस, 3 गाँव को मिला के कोलकाता का शहर धीरे धीरे बना है। द सिटी गॉट इट्स नेम्स फ्रॉम 3 विलेजेस दैट मर्ज टू फॉर्म कालीकाता। ओके, फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इट बिकेम द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, भारत की स्वाधीनता के बाद फाइनली ये वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी बन गया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं कैलकाटा में? कैलकाटा का जो मेन इंडस्ट्री है वो जूट प्रोसेसिंग है, यहाँ जूट का काम बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सम अदर इंडस्ट्रीज़ आर टेक्सटाइल्स, लेदर्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड राइस एंड पेपर,
ये भी इंडस्ट्रीज कलकत्ता में आपको देखने के लिए मिलेंगी। किस तरह का गवर्नमेंट है? इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आर ऑल लोकेटेड इन कोलकाता। द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल लिव इन दिस सिटी। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो सभी कोलकाता में ही रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ कोलकाता इज़ यूनिक। कोलकाता में आपको यूनिक ट्रांसपोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ ट्राम है, रेल, जो सड़क पे ट्रेन चलती है, ट्राम, वो देखने के लिए मिलेगी। कोलकाता वो पहला शहर है जहाँ पर मेट्रो आया था। दिल्ली में और बाकी शहरों में मेट्रो बहुत बाद में आया। कोलकाता इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो आया था। इट हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड मेट्रो। ये जो मेट्रो है ये अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे से जाती है। इन फैक्ट कोलकाता वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव मेट्रो रेल सिस्टम। पहला शहर था जहाँ पर मेट्रो रेल सिस्टम आया। इट इज़ द ओनली सिटी वेयर ट्राम्स आर स्टिल इन यूज़। इस शहर में ट्राम्स यूज़ होते हैं। ओके, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ऑफ कोलकाता लिंक्स कोलकाता टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, कोलकाता के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, खाने से प्यार है कोलकाता के लोगों को, तो इसीलिए फूड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स मिलते हैं। बंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, स्पेशली मिठाइयाँ। Their sweets are famous all over India. पूरे भारत में बंगाली स्वीट्स का अपना ही एक चार्म है। संदेश एंड रसगुल्ला आर सम ऑफ देयर पॉपुलर स्वीट्स। राइस एंड फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ऑलमोस्ट डेली कलकत्ता में हर किसी के घर में आपको राइस एंड फिश देखने के लिए मिलेगी। कल्चर, कोलकाता के कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी विविड है। यहाँ तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा द मेन फेस्टिवल इज़ ऑफ दिस लैंड इज सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड्योर। बहुत ज़्यादा आलिशान तरीके से सेलिब्रेशन होता है। मेन वियर धोती एंड वुमेन ड्रेप देमसेल्व्स इन ब्यूटिफुल साड़ी। और दुर्गा पूजा के दौरान जो लड़के होते हैं वो धोती पहनते हैं और लड़कियां जो है साड़ी पहनती हैं। लैंग्वेज, पीपल ऑफ कोलकाता स्पीक बंगाली। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो वाइडली स्पोकन। बहुत से लोग इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं। क्लाइमेट, द कोलकाता क्लाइमेट इज़ नीदर वेरी हॉट नीदर वेरी कोल्ड, क्योंकि कोस्टल रीजन के आसपास आ जाता है, बे ऑफ बंगाल से काफ़ी पास में, इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड रहती है, लेकिन रेनी सीजन में बहुत बारिश रहती है, काफ़ी बारिश रहती है। ओके, द वेदर बिकम्स कॉट हॉइट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग समर्स। समर्स में काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और विंटर्स जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है अगर आप कोलकाता घूमना चाहते हैं तो। कोलकाता में भी बहुत सी फेमस बिल्डिंग्स हैं, आइए उन बिल्डिंग्स के बारे में पता करते हैं। द सिटी ऑफ कोलकाता इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस, इसको सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोलते हैं। सिटी हैज़ मेनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस। अदर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर विक्टोरिया मेमोरियल, नेशनल साइंस म्यूजियम, सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम एंड बोटानिकल गार्डन्स। ये सभी जो हैं बहुत सारे टूरिस्ट को हर साल अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। फोर्ट विलियम इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कोलकाता, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द ब्रिटिश। ओके, फोर्ट विलियम भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था। ईडन गार्डन्स जहाँ पे क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। ये ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है कंट्री का, यानी इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। बिरला प्लानिटोरियम ऑफ कोलकाता इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लानिटोरियम्स इन एशिया, यानी पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी प्लानिटोरियम्स हैं उसमें से बिरला प्लानिटोरियम लार्जेस्ट में से ही एक है। रविंद्र सेतु, पॉपुलरली नोन एज द हावड़ा ब्रिज, जो कि बहुत कॉमन है, कई सारी मूवीज़ में भी देखा गया है, पिक्चर्स में भी देखा गया है, वो हुगली रिवर पे है और काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है और काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर भी है। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे मुंबई के बारे में, बॉम्बे के बारे में। ठीक है, बॉम्बे को लोग सपनों का शहर कहते हैं क्योंकि कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बॉम्बे जाते हैं। ऑलराइट, बॉम्बे इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र
स्टेट का कैपिटल है. अ ग्रुप ऑफ सेवन आइलैंड टुगेदर फॉर्म द सिटी ऑफ मुंबई, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स. लोकेशन कहाँ पर है, इसको सात आइलैंड्स बोलते हैं क्योंकि सात द्वीपों को मिला के जो शहर बना है. और ये कहाँ लोकेटेड है, ये वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी की तरफ लोकेटेड है. हिस्ट्री, मेनी ईयर्स अगो मुंबई वॉज अ ग्रुप ऑफ सेवन फिशिंग आइलैंड्स वर कोली फिशरमैन लिव्ड, यानी बहुत सालों पहले, कई कई साल पहले सात आइलैंड्स का ग्रुप था बॉम्बे जो है, जहाँ पे कोली ग्रुप ऑफ फिशरमैन रहते थे. देयर पेट्रन गॉडेस मुंबा देवी वॉज देयर, द नेम मुंबई हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ दिस गॉडेस, यानी मुंबा देवी से आया मुंबई. ओके. गवर्नमेंट, द मेन ऑफिसेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई. इट इज़ द होम टू द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द पब्लिक सर्विसेज इन द सिटी आर लुक्ड आफ्टर बाय मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और मोस्टली पब्लिक सर्विसेज को जो है मुंबई कॉरपोरेशन, मुंबई का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो देखभाल करता है. ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में फेमस है. ऑलराइट, द पोर्ट्स ऑफ मुंबई विच इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज़ द कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द सिटी. मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज, बैंक्स, थिएटर्स आर लोकेटेड अराउंड द पोर्ट. पोर्ट के आसपास ही ऑफिसेज, बैंक्स वगैरह आपको मिलेंगे. द मेन रेलवे स्टेशन इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. ऑलराइट, जिसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जानते थे. People travel by buses and local trains. Recently, Mumbai has also started monorail system. Mumbai Metro came operational in June 2014. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport is the busiest airport of the country. सबसे ज़्यादा flights जो हैं यहीं से take off करती हैं, दिल्ली और मुंबई से. All right? किस तरह की industries मिलेंगी, बहुत तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपको मुंबई में मिलेंगी. बॉम्बे हाई लोकेटेड इन द अरेबियन सी इज़ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया. द क्रूड ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम हेयर इज़ रिफाइंड टू गेट पेट्रोल एंड अदर प्रोडक्ट्स. मुंबई हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की शुरुआत ही बॉम्बे से हुई थी, बॉम्बे और सूरत से. सो यहाँ आपको बहुत तरह के कॉटन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मिल्स भी मिलेंगे. Many factories produces medicines, oil, chemical and electronic goods. ये center है हिंदी movies का, जितने भी हिंदी movies है, यानी पूरा Bollywood actors, actresses ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं. Most Hindi films are made in Mumbai. Mumbai's film industry is known as Bollywood. Okay? रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक और चीज़, मुंबई जो है स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपनी मार्केट्स के लिए और आइकॉनिक लैंडमार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बॉम्बे में हैं. क्लाइमेट कैसा है, मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि ये अरेबियन सी के बहुत पास में है, कोस्टल एरिया में आता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यानी ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा कोल्ड. द समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड वाइल विंटर्स आर प्लेजेंट. मुंबई हैवी रेन्स, बारिश मुंबई की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत हैवी होती है जो है जुलाई एंड अगस्त के सीजन में. ओके. लोग कैसे हैं, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, दुनिया भर से, देश भर से लोग जो हैं बॉम्बे में आकर सेटल होते हैं, इसीलिए तरह तरह के लोग मिलेंगे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया कम हेयर एंड लिव और सेटल फॉर वर्क. कल्चर, बहुत से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं मुंबई में सेलिब्रेट होते हैं. द मेन फेस्टिवल इज़ गणपति. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ओनली इन मुंबई, जैसे द एलिफेंटा फेस्टिवल, गुड़ी पाड़वा जो कि उनका न्यू ईयर होता है मराठियों का, बांद्रा फीस्ट, गणेश चतुर्थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का. पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस. अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मुंबई में हिंदी और इंग्लिश तो बोला जाता है, लेकिन मेन लैंग्वेज जो है वो है मराठी. मुंबई में मराठी बोला जाता है सबसे मेन. इसके अलावा यहाँ पर हिंदी, कोंकणी, गुजराती और इंग्लिश भी बोली जाती है. ऑलराइट. फूड, अगर हम फूड की बात करें तो फिर बॉम्बे का फेमस फूड जो है स्ट्रीट फूड है. यहाँ पे पानी पूरी और वड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस है. स्ट्रीट फूड इन मुंबई इज़ पॉपुलर. द
people of Mumbai are fond of snacks like vada pav, bhel puri, ragra patties, pav bhaji, shrikhand, a sweet dish is also very popular in Mumbai. All right? अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो क्योंकि मुंबई भी ओल्डेस्ट शहरों में से ही आता है तो यहाँ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं. मुंबई हैज़ सम फेमस बीचेस लाइक जुहू, चौपाटी एंड वर्सोवा. ओके, ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक म्यूजियम, गैलरीज, एम्यूजमेंट पार्क्स, बीचेस मेक मुंबई अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. बहुत तरह तरह की जगह मिलेंगी जो टूरिस्ट्स के लिए घूमने का एक आकर्षण का केंद्र है. गेटवे ऑफ इंडिया हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कहाँ पर है? मुंबई में है. ऑल राइट, यहाँ पर भी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ से लोग इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं. द नेहरू प्लेनेटोरियम, हैंगिंग गार्डन्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड ब्रेबोन स्टेडियम आर सम ऑफ द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ मुंबई. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मुंबई. इसके अलावा आपको एलिफेंटा केव जो कि जस्ट 10 किलोमीटर आगे है मुंबई से, यहाँ पे जो रॉक कट टेम्पल्स हैं या स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं जो रॉक्स को काट कर बनाई गई हैं, वो भी बहुत फेमस हैं. देयर आर मेनी अम्यूजमेंट पार्क्स इन मुंबई. मुंबई में बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, जैसे कि SL वर्ल्ड जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है लोगों के बीच में. Marine Drive is a major tourist attraction of the city. It is also known as the Queen's Necklace because of the beautiful lights on the shores of the beach at night. मतलब रात को इसके किनारे पे जब lights चलती हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी रानी ने गले में हार पहन लिया हो, इसीलिए इसको Queen's Necklace भी बोला जाता है. All right? So see, Bombay कितना famous है. Okay? So children, now we are going to study about Chennai. चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ इंडियन स्टेट दैट इज़ तमिलनाडु. तो चेन्नई कहाँ का कैपिटल है? चेन्नई साउथ इंडिया का कैपिटल है. ओके, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द गेटवे टू साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया का गेटवे के नाम से भी इसको कहा जाता है. मतलब इट्स पॉपुलर नेम इज़ गेटवे टू साउथ इंडिया. लोकेशन, चेन्नई इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है चेन्नई. ऑल राइट, लाइक मुंबई इट इज़ ऑल्सो अ कोस्टल सिटी. मुंबई की तरह ही चेन्नई भी क्या है? एक कोस्टल सिटी है, क्योंकि ये कोस्ट के बिल्कुल पास आती है. दिस इज़ अवर पेनिनसुला इंडिया, राइट? और चेन्नई एंड तमिलनाडु की लोकेशन यहाँ है. यहाँ पर आपका चेन्नई आता है और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, राइट? एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ कोस्टल स्टेट. द सिटी वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास. इसका पहला नाम जो है वो मद्रास था, अब इसका नाम बदलकर चेन्नई हो गया है कई सालों से. पोर्टुगीज ट्रेडर्स वर द फर्स्ट फॉरेनर्स टू रीच हियर. सबसे पहले जो फॉरेनर्स यहाँ पहुँचे थे व्यापार के लिए वो थे पोर्टुगीज ट्रेडर्स, ठीक है? दे केम टू चेन्नई इन द 16th सेंचुरी. ये 16th सेंचुरी में चेन्नई आए. दे वर फॉलोड बाई डच के बाद आए यहाँ पे फ्रेंच एंड देन द ब्रिटिश. तो सबसे पहले पोर्टुगीज लोग आए, उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए डच आए, डच के पीछे पीछे आए फ्रेंच एंड फाइनली आए ब्रिटिशर्स. गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, किस तरह से कहाँ पे क्या है? द मेन ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आर लोकेटेड इन चेन्नई बिकॉज इट इज़ द कैपिटल सिटी, राजधानी है तमिलनाडु की. तो इसीलिए जितने भी मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सब कुछ चेन्नई में ही लोकेटेड है. The governor, the chief minister and the other ministers live and work in the city. यानी governor, chief minister और बाकी जितने भी ministers हैं वो सब चेन्नई में ही रहते हैं. Transportation, चेन्नई's transportation system is famous for its punctuality and discipline. Buses are the main low priced means of transportation in Chennai. यानी चेन्नई में जो है लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी को वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं और काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं. स्पेशली द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट इज़ वेरी वेरी पंक्चुअल ऑन टाइम. बसेस आर आल्सो अवेलेबल एट अ वेरी वेरी लो प्राइस. दैट मीन्स इफ़ यू ट्रैवल बाय बस, अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो जो टिकट कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगा. दिस इज़ अ फन फैक्ट, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ ह्यूज वाईफाई नेटवर्क इज चेन्नई. यानी चेन्नई
वो पहला शहर है इंडिया का जहाँ पे सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ था. ओके, नेक्स्ट वी कम अबाउट द इंडस्ट्रीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि लोगों को काम देती हैं या रोजगार देती हैं. तो आज देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है चेन्नई में. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ चेन्नई आर कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑयल रिफाइनरी, लेदर गुड्स एंड रेलवे कोच फैक्ट्री. ठीक है, चेन्नई के जो पूरा जो बेल्ट है चेन्नई का शहर में, वहाँ पे वेरियस फैक्ट्रीज हैं जैसे कि लेदर गुड्स, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, और राइट रेलवे कोचेज, ये सभी चेन्नई पे होता है. इसके अलावा देयर इज़ अ टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑल्सो, दैट इज़ अवधि इन चेन्नई. सिल्क साड़ीज ऑफ चेन्नई आर वेरी फेमस, स्पेशली द कांजीवरम सिल्क. कांजीवरम इज़ द फेमस साड़ी ऑफ चेन्नई. द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ चेन्नई इज ऑल्सो वेरी वेल नोन. फिल्म इन तमिल, तेलुगु एंड मलयालम लैंग्वेजेस आर मेड हियर. साउथ इंडियन फिल्म भी बहुत पॉपुलर हैं एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस जो साउथ इंडिया में बोली जाती हैं उन सभी की जो फिल्में हैं वो चेन्नई में बनती हैं. चेन्नई का फूड भी बहुत ज़्यादा फेमस है, साउथ इंडियन फूड में आता है एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर द कंट्री. किस तरह की खाना है, द पीपल ऑफ चेन्नई लव टू ईट राइस. बहुत ज़्यादा राइस से रिलेटेड चीज़ें ये खाना पसंद करते हैं. दे ईट इट विथ सांबर रसम एंड कर्ड. इडली, डोसा, वड़ा, उपमा एंड उत्तपम आर पॉपुलर डिशेज. दे आर लाइक्ड ऑल ओवर इंडिया. सभी लोग, हम लोगों में से कई लोगों को डोसा, इडली, उत्तपम ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? ये बहुत ही पॉपुलर डिशेज में से आता है. क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर. साल भर ये हॉट रहता है. इट हैज़ मोर देन रेन इन विंटर देन इन समर. यानी सर्दियों का जो मौसम होता है उस टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू द समर्स. पीपल, चेन्नई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया वर्क एंड लिव हेयर. इट्स अ लाइक हब और सेंटर काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड स्टे. जैसे हमने मुंबई के बारे में पढ़ा, दिल्ली के बारे में पढ़ा, ये भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ही आता है क्योंकि देश भर के लोग यहाँ पे काम के लिए या किसी ना किसी वजह से वहाँ रहते भी हैं और काम भी करते हैं. कल्चर एंड लैंग्वेज, द पीपल ऑफ चेन्नई स्पीक तमिल एंड इंग्लिश. वो अपनी मातृभाषा तमिल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके अलावा वो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक. नृत्य और गायन में भी उनका बहुत ज़्यादा रुचि है, वो लोग बहुत ज़्यादा इनमें अच्छे हैं. लाइक इन कैलकटा ऑल्सो डांस एंड म्यूज़िक आर इनएविटेबल, सिमिलरली इन चेन्नई ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स. भरतनाट्यम डांस एंड कर्नाटिक म्यूज़िक आर वेरी पॉपुलर हेयर. द पीपल ऑफ चेन्नई सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स. बहुत तरह तरह के वेराइटी ऑफ इनके अपने फेस्टिवल्स हैं जो रीजनल फेस्टिवल्स में से आते हैं विच आर वेरी पॉपुलर. जैसे पोंगल, इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ चेन्नई. सन गॉड यानी सूर्य देवता की पूजा होती है पोंगल में. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 to 4 days विद ग्रेट जॉय एंड डिवोशन. इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. पोंगल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. जैसे बीहू, लोहड़ी ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है. बैसाखी ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है. सिमिलरली पोंगल इज़ ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ऑलराइट, फेमस बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस. बीइंग अ इम्पॉर्टेंट सिटी चेन्नई ऑल्सो हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फेमस बिल्डिंग्स. और क्योंकि यहाँ बहुत पहले से फॉरेन ट्रेडर्स आकर रह रहे थे तो इसीलिए यहाँ पुरानी इमारतें भी बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन द सिटी इज़ फोर्ट सेंट जॉर्ज. अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर गोल्डन बीच, द स्नेक पार्क एंड द पार्थसारथी पेरुमल टेम्पल. तो अलग अलग तरह के टेम्पल्स, पार्क्स एंड बीचेस जो हैं चेन्नई में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. चेन्नई हैज़ अ नेशनल पार्क, द गुइंडी नेशनल पार्क. द गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम्स इन इंडिया. इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये जो गवर्नमेंट म्यूजियम है इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था अब जब वो लोग हम पे राज कर रहे थे. ऑलराइट, द मरीना बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ तमिलनाडु. हज़ारों टूरिस्ट यहाँ हर रोज़ घूमने आते हैं.
It is the longest beach of India and the second longest beach in the beautiful world. यानी कि इंडिया में फर्स्ट पोजिशन पर आता है और वर्ल्ड पर सेकेंड पोजिशन पर आता है. The Covelong beach is beautiful with palm trees and white sand. Covelong भी एक बहुत popular beach है. इसके अलावा हमारे जो temples हैं चेन्नई के, ये भी काफ़ी ज़्यादा famous हैं अपने art और architecture के लिए. The style of the building, the way the buildings and temples have been created, ये tourist को बहुत ज़्यादा attract करते हैं. The temples of Chennai are known for their Gopurams. Gopurams का मतलब होता है entrance gate. The Kapaleshwar temple is very famous in Chennai. The temple is known for its rock carvings. मतलब पत्थर को काट काट के इन temples को बनाया गया है जो कि tourists को बहुत ज़्यादा attract करती है. Now children, let's quickly look over to all the things that we studied in this particular chapter. काफ़ी बड़ा chapter था. इसमें हमने बॉम्बे के बारे में पता किया, कोलकाता के बारे में पता किया, इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने चेन्नई के बारे में पढ़ा. तो आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर विद स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज कैलकाता. मुंबई इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स. मुंबई हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं. गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई एंड चेन्नई वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. आइए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन, Delhi is situated on the banks of river Yamuna. Yamuna is the correct option. Okay. Next, second, the residence of President of India is known as the Rashtrapati Bhavan. ठीक है, राष्ट्रपति का जो घर है उसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, प्रेसिडेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन बोलते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थर्ड, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स. मुंबई. मुंबई सात द्वीपों को मिलके बना है, इसीलिए जो है इसे सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स बोला जाता है. फोर्थ, द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई इज नोन एज हॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड. सो बॉलीवुड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ ज़्यादातर हिंदी मूवीज बनती हैं एंड दैट इज वाई इट इज़ नोन एज बॉलीवुड एंड द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा. Now let's move to the next part. Fifth question, the climate of Mumbai can be described as moderate, extreme, hot, humid, none of the above. Mumbai का climate moderate है, वहाँ पर कोई extreme climates नहीं रहते हैं, moderate climate है. बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन climate काफ़ी moderate रहता है. Sixth, the main language spoken by the majority of people in Kolkata. Kolkata में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा language बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? Bengali. So C is the correct option. All right children, so we are done with MCQs. Now it's time to move to the next exercise. And in the next exercise we have exercise number B, that is fill in the blanks. So let's do this one by one. The first sentence says that sarees of Chennai are famous all over the country. चेन्नई में एक specific साड़ी बनती है जो कि बहुत ज़्यादा popular है, तो उस साड़ी का नाम क्या है? कांजीवरम. Okay, so the कांजीवरम sarees are very famous from Chennai. So कांजीवरम is the right option. Clear? Next, Mumbai is located on the dash coast of India. On the west coast of India, right? Next, Kolkata's main industry is jute. Kolkata में सबसे ज़्यादा जो है वो jute का काम चलता है. Fourth, dash rail has changed the face of transportation in Delhi. Delhi में metro rail आने के बाद transportation बहुत ज़्यादा easy हो गया है. So metro rail, all right? Metro rail. Next. फिफ्थ, कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज कैलकाटा. कोलकाता को पहले कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, राइट? नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, डैश इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ चेन्नई. चेन्नई में मेनली ज़्यादातर लोग जो भाषा बोलते हैं वो है तमिल. तो तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज. तमिल के अलावा
यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है लेकिन तमिल प्राइमरी या मेन लैंग्वेज है. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज आंसर्स. आपने सारे आंसर्स लिख लिए होंगे. नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत हैं. कोलकाता इज़ वेरी हॉट इन समर. येस इट इज़ ट्रू. बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है कोलकाता में समर्स में. सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ सेवन आइलैंड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द सिटी ऑफ मुंबई. येस दिस इज़ ट्रू. बिल्कुल सही है. थर्ड, पोंगल इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ चेन्नई. येस, रिलीजियस नहीं है ये, हार्वेस्ट फेस्टिवल है. ठीक है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है इसीलिए पोंगल फेस्टिवल तो है लेकिन रिलीजियस नहीं है. दिस इज फॉल्स. ओके, फोर्थ, द वेदर इन जुलाई एंड ऑगस्ट इज़ वेरी कोल्ड इन दिल्ली. नो दिस इज़ फॉल्स. यहाँ जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश होती है. सो दिस इज़ फॉल्स. फिफ्थ, कोलकाता वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव मेट्रो रेल सिस्टम. येस दिस इज़ ट्रू. एंड कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो चलता है. ओके, सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, मुगल गार्डन इज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन. येस इट इज़. इसको अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है. मुगल गार्डन्स का नाम बदल के अब रिसेंटली अमृत उद्यान कर दिया गया है और वो राष्ट्रपति भवन के अंदर है. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. हर साल फेब्रुवरी और मार्च के महीने में हम लोग इस गार्डन को विज़िट कर सकते हैं. इस गार्डन में जो खूबसूरत फूल पौधे लगे हुए हैं उन सभी को हम लोग देख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर डी. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं जो हमें मांगे गए. समाधि इन दिल्ली. दिल्ली में बहुत से पॉपुलर लोगों की समाधि बनी हुई है. क्या क्या है? शांतिवन एंड राजघाट. ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं शांतिवन, राइट, एंड राजघाट. नेक्स्ट, दिल्ली के शॉपिंग सेंटर्स, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं. सरोजनी हैं, राइट, पालिका बाजार है, चांदनी चौक है, बहुत सारे हैं. फेमस बिल्डिंग्स ऑफ कोलकाता. कोलकाता की फेमस बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो बिरला प्लानिटोरियम है, विक्टोरिया मेमोरियल है. ठीक है, म्यूजियम्स हैं. सो विक्टोरिया मेमोरियल, एंड बिरला प्लानिटोरियम. ऑलराइट, नेक्स्ट, दिल्ली के एयरपोर्ट्स. दिल्ली में पालम एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ही बहुत फेमस हैं. पालम एंड IGT, दैट इज इंदिरा गांधी टर्मिनल. ओके, इंदिरा गांधी टर्मिनल. नेक्स्ट, लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता, बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी. इट्स अ मल्टीलिंगुअल स्टेट. बंगाली एंड हिंदी एंड इंग्लिश, राइट, क्लियर. इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता, जूट एंड राइस. कॉटन भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है कोलकाता की लेकिन हम ज़्यादा फोकस करेंगे जूट एंड राइस पर. क्लियर, आई होप यू हैव नोटेड ऑल दीज आंसर्स चिल्ड्रन. आपको समझ में आ गया होगा. ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप बुक में से अपनी पसंद के एग्जाम्पल्स भी नोट कर सकते हैं. ओके, सो विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज क्वेश्चन एंड आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. वी हैव रेड द चैप्टर इन डिटेल्स. सो आप ये आंसर्स खुद ढूंढेंगे. जैसे कि डिस्क्राइब द लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, दैट इज हॉट इन समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर्स. What do you know about the festival celebrated in Kolkata? Main festival that is celebrated in Kolkata is Durga Puja, which is celebrated with great joy and enthusiasm. Third, describe the climate of Mumbai. The climate of Mumbai is moderate. It is neither very hot, neither very cold, but it experiences heavy rainfall during the monsoon season.
फोर्थ वन राइट अबाउट द फूड एंड कल्चर ऑफ कोलकाता. कोलकाता पीपल जस्ट लव फूड. दे लव टू ईट फूड. दे एंजॉय एंड रिलिश फूड वेरी मच. स्पेसिफिकली स्वीट्स. कोलकाता स्वीट्स यानी बंगाली स्वीट्स आर फेमस थ्रू आउट द कंट्री एंड वर्ल्ड. ओके राइट. What makes Delhi a tourist attraction? Delhi is a very old city. Plus, it is the capital of India, making it the main attraction of the tourist. People come here in large number to visit the different kinds of monuments and buildings. Rashtrapati Bhavan, Parliament House, the different kinds of gardens, zoological parks and whatnot. So, Delhi is a very, very prime location where every day number of tourists visit to either for work purpose or for visiting purpose. Okay. Sixth, write about the glorious past of Mumbai. Mumbai basically was made by the combination of seven islands. Seven islands came together. The Koni tribe initially were living here and they used to worship Mumba Devi, and from that, like on the honor of their goddess, the name Mumbai also came. From that goddess only, Mumba Devi से मुंबई नाम पड़ा. right? इसके अलावा मुंबई में कई सारे important राजा महाराजा मराठा kingdom रहा है, जिसकी वजह से मुंबई बहुत ज़्यादा famous जाना जाता है. Seven, describe the location and climate of Mumbai. Mumbai is located on the west coast of India. It is the capital city of Maharashtra, and the climate of Mumbai is usually moderate. It is neither very hot, neither very cold. But it experiences heavy rainfall during the rainy season. And the last, where is Chennai located? Describe its history also. Chennai is located on the eastern coast, in the last, near the Bay of Bengal. It is the capital city of Tamil Nadu. It is a very old city. Initially the first foreign traders, that were the Portuguese traders, came and settled here. Then later on, they were joined by the Dutch, followed by the French and the Britishers. It is very famous for different kinds of buildings, monuments, Kanjivaram sarees, Bharatnatyam dance and food that is famous all over India, like idli, dosa, sambar, etc. Okay, so you can write about this. Apart from that, Chennai is also famous for its famous temples. Jo Gopurams hain, unke liye bhi bahut zyada famous hain. Alright, so children, I have given you the hints how to answer these questions. You can explore the pages of your book and write the answers in a detailed manner. So with this, we are done with this chapter also. I hope you enjoyed the chapter, because so many new things we learned about people, about culture, different kind of clothes they wear, different kind of food that they eat. भाषा क्या बोलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, कौन से शहर में क्या पॉपुलर है, कौन सा शहर किस लिए फेमस है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. ओके सो चिल्ड्रन, विद दिस आई वुड लाइक टू बिड यू गुड बाय टुडे. आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज जेली बीन जर्नीज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.